in AS Physics. We have topic number one. Physical quantities and units or measurements and units. Dekho, first of all, you should know in this topic, what is the syllabus content? Units or measurement mein syllabus content kya kya hai? First of all, base units, derived units, homogeneous equation, estimation, systematic and random error, precision and accuracy, CRO, scalars and vectors, and uncertainty. ये generally topics हैं आपके. आप में से वो students जिन्होंने थोड़ा सा late join किया है, आपको admin से कह दें, आपको initial वाली सारे lectures मिल जाएंगे. टॉपिक वन पे अब हम हैं अभी स्केलर्स एंड वेक्टर्स पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज दिए थे सीआरओ के, वो सबने कर लिए? काइंडली रिप्लाई कर दें मुझे मैसेज में कि सीआरओ के क्वेश्चंस तुमने किए एमसीक्यूज के जो मैंने दिए थे. अब्दुल्ला हुसैन, क्वेश्चंस किए बेटा? टाइप करके बता दें हाँ या ना. अब्दुल्ला हुसैन, अदीन आसिफ, अदीन, अमार अली, अमार अली, असद उमर, दुरेज, मोहम्मद खान, सादी का मैसेज आ गया, उजैर, जुहैर, हसनुल्ला और मुश्तबा. दुरेज दुरानी, आप मौजूद हैं यहाँ पे? ओके. अच्छा, तो रेस तुम्हारी आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है बेटा. असद, मोहम्मद और दुरेज, आप लोग काइंडली जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं वहां पर मौजूद हूँ एडमिन में. आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई सीक्वेंस में इशू हो, तो काइंडली आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे. और अच्छी बात यह है इस टॉपिक में कि टॉपिक्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है. बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स ये एक कनेक्टेड चीज है, एस्टिमेशन अलग है, सिस्टमैटिक रैंडम एरर अलग है, प्रिसीशन अलग है, सीआरओ अलग है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स अलग है.
अनसर्टिटी अलग है, तो कहीं पर तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कनेक्शन का कि ये नहीं समझ में आया, पुराना टॉपिक नहीं समझ में आया तो आज कैसे समझ में आएगा। आज हमारे पास है बिल्कुल नेक्स्ट सेपरेट टॉपिक, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इसका वही है ओ लेवल से कि स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, लिखिएगा मेरे साथ साथ। स्केलर्स आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज which require magnitude and units only. For example, length, distance, time, temperature, work, energy, वो energy किसी भी type की हो, electrical energy, thermal energy, heat energy, mechanical energy, gravitational potential energy, kinetic energy, सारी types की energies जो हैं वो basically scalars हैं। Power area volume etc, these all are scalar quantities. Vectors are those which require magnitude, units and direction also for their complete specification. For example, displacement, velocity, acceleration, force, pressure, weight, करंट, चार्ज, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं बिकॉज दे रिक्वायर डायरेक्शन ऑल्सो। अच्छा बेटा, vector is represented by a straight line. A straight line gives magnitude, and arrowhead represents direction. Let's say agar tumhare paas ye ek vector hai,
और ये वेक्टर इस तरह से शो हो रहा है। तो तुम सबको ये बात पता है कि इसमें ये जो बैक साइड है, वी कॉल दिस टेल, और एरो जो है वो इसको हम कहते हैं हेड। ये जो लाइन की लेंथ है, दिस लेंथ ऑफ लाइन शोज मैग्नीट्यूड। लाइन की लेंथ को हम कहते हैं बेसिकली मैग्नीट्यूड। अब देखो, वेक्टर्स में डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज ये समझना कि ज्योग्राफिकली दिस साइड इज नॉर्थ, दिस साइड इज साउथ, दिस साइड इज ईस्ट, दिस साइड इज वेस्ट। अगर मैं तुमसे ये कहूं, नंबर वन, 5 सेंटीमीटर नॉर्थ, 5 सेंटीमीटर नॉर्थ का मतलब क्या होगा? 5 सेंटीमीटर नॉर्थ का मतलब होगा कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बेसिकली ये 5 सेंटीमीटर की होगी और एरो इस तरह से अपवर्ड शो करेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर नॉर्थ शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मगर देखो, मैं तुम्हें अगर इस तरह से कहूं कि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम नॉर्थ, तो फ्रॉम नॉर्थ का मतलब, अब आप वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, बट एरो डाउनवर्ड होगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम नॉर्थ का मतलब होता है, याद रखो, फ्रॉम नॉर्थ का मतलब मीन्स टूवर्ड्स साउथ, और बेसिकली फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 5 सेंटीमीटर नॉर्थ, 5 सेंटीमीटर नॉर्थ का मतलब है कि फ्रॉम साउथ। सिमिलरली, इफ आई से 6 सेंटीमीटर ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड्स का मतलब ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट मीन्स अब आप कहेंगे ये डायरेक्शन ये होगी और एरो होगा टूवर्ड्स ईस्ट, दैट लेंथ रिप्रेजेंट 6 सेंटीमीटर एंड एरो रिप्रेजेंट ईस्टवर्ड्स। और अगर आपसे कहा जाए कि साइक्लिस्ट मूव 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ईस्ट, तो फ्रॉम ईस्ट मीन्स नाउ यू विल से एरो इज टूवर्ड्स वेस्ट। फ्रॉम ईस्ट मीन्स टूवर्ड्स west, or eastwards means from west। एक तो ये पॉइंट समझे। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट सुनो। ये जो रीजन है ना बेटा, ये रीजन ग्राफ में देखना, ये रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, साउथ ईस्ट। दिस रीजन इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। अच्छा, साउथ ईस्ट में अगर वो तुमसे एंगल नहीं बताता, वो तुमसे कहता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो गया,
तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब होगा एग्जैक्ट एंगल, अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है एग्जैक्ट 45 डिग्री, ये साउथ ईस्ट है। अगर एंगल गिवन नहीं है, याद रखिएगा ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एंगल गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर लेट्स से अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर 5 के 8 सेंटीमीटर साउथ ईस्ट, या 8 सेंटीमीटर फ्रॉम साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अगर ये तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें स्केल बनाने के लिए तुमसे कहूं ये मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पर भी मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस के लिए उसने तुम्हें ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करके दे दिया, ये एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल। अब साउथ ईस्ट का मतलब आपके पास ये 45 डिग्री तो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो साउथ ईस्ट मींस इन दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रेट लाइन ऐसे ही ड्रॉ होगी। इन बोथ डायग्राम्स यू विल बी हैविंग दिस 45 डिग्री। बट डिफरेंस ये है कि साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब आप कहेंगे एरो जो होगा इस केस में वो एरो इस तरह से होगा टुवर्ड साउथ ईस्ट, और फ्रॉम साउथ ईस्ट का मतलब ये साउथ ईस्ट से अवे जा रहा है। थोड़ा बात समझना, ये ईस्ट है बेटा और ये साउथ है, यहां पर ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट या सिर्फ साउथ ईस्ट या टूवर्ड्स साउथ ईस्ट इज द सेम थिंग, और साउथ ईस्ट है यहां पर मैंने तो बताया ये नीचे वाली डायरेक्शन,